हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे कि इमेजेस को और किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है तो पहले मैं यहाँ पे एक फ्लोर uh, चार्ट बना चुकी हूँ ऑलरेडी तो दिस इज़ अ फ्लो चार्ट फॉर मेकिंग टी तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स डाले हैं एरोज डाली हैं उसमें कुछ कुछ लिखा है राइट right? तो स्टार्ट मेकिंग टी इनपुट ली हमने टी पाउडर मिल्क वाटर एंड टी पॉट फिर पोर द इंग्रेडिएंट्स एंड टर्न द हीट ऑन अगर टी रेडी है तो आप स्ट्रेन करके उसको सर्व करेंगे अगर नहीं है तो आप वापस हीट uh, हीट करना उसको कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज द एंड ऑफ द प्रोसेस ठीक है तो एक टिपिकल फ्लो चार्ट है तो अगर हमें इस फ्लो चार्ट में मोर देन वन एलिमेंट को चेंज करना है या मूव करना है तो हम ग्रुपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ओपन ऑफिस राइटर गिव्स यू एन ऑप्शन टू ग्रुप टू और मोर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर तो आइए देखते हैं ग्रुपिंग कैसे की जाती है पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे फिर जो आपके कीबोर्ड पे शिफ्ट की है उसको क्लिक करके दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरा ऑब्जेक्ट चौथा ऑब्जेक्ट ऐसे हम सिलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट की को छोड़ेंगे राइट right क्लिक करेंगे और यहाँ ग्रुप ऑप्शन में जाके ग्रुप कहेंगे तो अब क्या होगा अब हम ये जो भी फोर ऑब्जेक्ट्स हमने ग्रुप की है इसमें से किसी पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो ये चारों ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगी कौन सी चार ऑब्जेक्ट्स ये फर्स्ट स्टार्ट मेकिंग टी इसका एरो ये इनपुट और इसका एरो ठीक है अब अब आप इस ग्रुपिंग पे कोई भी चेंज करोगे तो ये चारों ऑब्जेक्ट्स पे लागू हो जाएगी सो so, सपोज मैंने ये सिलेक्ट किया है और मुझे इसका कलर चेंज करना है ओके okay, तो आप देखेंगे कि चारों ऑब्जेक्ट्स की कलर इकट्ठे चेंज हो गई ठीक है अगर मुझे इसको मूव करना है कहीं भी किसी और जगह पे तो मैं इसको इकट्ठे मूव कर सकती हूँ इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट्स को मूव करने की जरूरत नहीं है समझ आ गया ग्रुपिंग ठीक है अब हम एक और मॉडिफिकेशन देखेंगे जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाई है तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट द पिरामिड्स ऑफ गीजा इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है अब मान लीजिए मुझे अपने डॉक्यूमेंट में कुछ पिक्चर्स भी डालने हैं इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड तो एज यू ऑलरेडी नो हम पिक्चर्स में जाके फ्रॉम फाइल्स में या फिर कहीं किसी और तरीके से भी हम लोग पिक्चर्स यहाँ पे डाल सकते हैं अब मान लीजिए मुझे ये पिक्चर यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये बीचो बीच चाहिए मेरे टेक्स्ट के बीचों बीच चाहिए या फिर मुझे ऐसे दिखाना है जैसे मतलब यहाँ पर भी टेक्स्ट है यहाँ पर भी टेक्स्ट है ये पिक्चर इसके बीच में है तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मेट मेन्यू uh, में कई सारे ऑप्शन है यह आप देख रहे हो एंकर रैप अलाइनमेंट ये हम देखेंगे अरेंज तो ये uh, कैसे वर्क होता है ये अभी हम देखेंगे तो पहले तो देखते हैं हम रैप का ऑप्शन ठीक है अगर मैंने कहा रैप ऑफ तो ये जो प्रेजेंट uh, कंडीशन है दिस इज द रैप ऑफ ऑप्शन अगर मैंने कहा पेज रैप तो क्या हो जाएगा टेक्स्ट मैं जहां पर भी मूव करूंगी इमेज को उसके अराउंड होएगा टेक्स्ट ठीक है तो ये आप देख रहे हो कि यहां पे एंशियट इजिप्शियंस यूजिंग टेक्नोलॉजिकल मींस व्हिच मोस्ट लाइकली वर सो कॉमन टू देम है ना तो ये सेंटेंस यहां से शुरू हुआ है फिर यहां कंटिन्यू हुआ है और फिर नीचे से ऐसे ही तो अराउंड माई इमेज मेरा टेक्स्ट आ गया तो ये कौन सा वाला ऑप्शन था रैप में पेज रैप ठीक है तो इस तरह से आप आ, कई सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप रैप थ्रू करोगे तो क्या हो जाएगा आपका जो टेक्स्ट है वो पीछे चलता रहेगा और ये इमेज जो है ये आपके सामने आ जाएगी तो दिस इज नॉट वेरी कन्वीनियंट तो इसके लिए अगर आपको कॉन्टिन्यूस टेक्स्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो आप फॉर्मेट में जाके अरेंज uh, में जाके या या ऐप में जाके इन बैकग्राउंड कर सकते हो तो क्या हो जाएगा आपकी जो इमेज है वो बैकग्राउंड में चली जाएगी ठीक है और आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर से आपको दिखेगा ठीक है फिर हम आते हैं एंकरिंग पे तो अगर हमें तो जो भी इमेज हम डालते हैं इट इज एंकरड ये आप देख रहे हो ये चिन्ह एंकर जैसे अभी ये पेज को एंकर्ड है मतलब ये पेज जहाँ भी जाएगा वहाँ वहाँ आपका इमेज जाएगा ठीक है हम इसको चेंज कर सकते हैं तो फॉर्मेट में जाएंगे एंकर में जाएंगे अभी फिलहाल से इट इज एंकर टू ए पेज तो ये हाँ सॉरी ये पेज को है और जो पहले वाला था वो पैराग्राफ को एंकर था तो अगर मैंने पैराग्राफ को एंकर किया इसको या तो फिर मान लो इस वाले पैराग्राफ को एंकर किया है ना अगर मैं ये वाला पैराग्राफ मूव करती हूं तो इसके साथ साथ मेरी इमेज भी मूव हो रही है ये नहीं कि इमेज यहीं पे है और बस वो टेक्स्ट वाला पार्ट मूव हो रहा है ऐसा नहीं होगा अगर मैंने पैराग्राफ के लिए एंकरिंग की है तो तो अगर मैंने कुछ और तरह से एंकरिंग करी टू कैरेक्टर सपोज तो ये वाला जो कैरेक्टर है इसके पीछे इसको एंकर्ड है ये तो अगर मैं इसको मूव करती हूँ तो इसके साथ साथ मेरी इमेज भी मूव हो रही है ठीक है एक और ऑप्शन है जिसमें मैं इमेज को एज अ कैरेक्टर यूज कर सकती हूँ तो वो देखते हैं कैसे होता है फॉर्मेट में जाके एंकर में जाके एज कैरेक्टर अगर मैं कहूँगी तो ये पूरी जो इमेज है ये एक कैरेक्टर मानी जाएगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वर्ड है आर और बीच में इमेज है जो एक कैरेक्टर है और फिर ये वाई यहाँ पे आई है ठीक है तो ये आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको किस तरह की एंकरिंग चाहिए और किस तरह का रैपिंग आपको अपनी इमेज में डालनी है तो हमने अभी तक देखा है कि इमेज को हम कैसे इंसर्ट uh, कर सकते हैं उस पर क्या क्या मॉडिफ़िकेशन्स कर सकते हैं उसकी पोजीशनिंग कैसे चेंज कर सकते हैं उसको कैसे लाइट डार्कन डार्क कर सकते हैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट उसका कैसे चेंज कर सकते हैं उसको रैप कैसे कर सकते हैं उसको अलाइन कैसे कर सकते हैं उसको फ्लिप कैसे कर सकते हैं तो uh, इस इमेज के टॉपिक uh, में ये कई सारे ऑप्शंस हमने देखे हैं तो प्लीज़ इसको आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो ये लेक्चर्स दोबारा देखते रहें ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशंस कैसे होती हैं ठीक है थैंक यू